Hello brilliant students, how are you? Hope that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 6th science chapter 2 components of food. Students, पहले वाले videos के अंदर हमने किया था, इससे पहले का और दो पेज हमने किए थे और अब हम कर रहे हैं ये थर्ड पेज. प्रोटीन टेस्ट. प्रोटीन टेस्ट हम कैसे करेंगे, किसी भी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या नहीं है इस चीज़ का कैसे हम पता लगाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इज अ फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. कि आपको क्या ले करना है, पहले वो खाना लेना है जिसको आपको टेस्ट करना है और उसका अगर वो सॉलिड है तो उसका पेस्ट बना लेंगे और पाउडर इट, या फिर उसको पाउडर उसका पाउडर बना लेंगे. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. आपको क्या करना है, अब उस जो भी आपने पेस्ट बनाया था या कुछ पाउडर बनाया था तो उसको आपको लेना है ग्राइंड करके, मैश करके टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फिर 10 ड्रॉप्स वाटर की लेनी है और उसे अच्छे से शेक करना है, यानी कि हिलाना है. नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. तो उसके बाद जब आपने खाने को टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स आपने पानी की डाल ली, उसके बाद आप उसके अंदर उसको शेक करने के बाद 2 बूंदे 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे उसमें और 10 ड्रॉप्स उसमें कास्टिक सोडा की जो बूंदे है वो डालेंगे, 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसे अच्छे से हिलाने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए रख देंगे उसके स्टैंड के अंदर. व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिलता है. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट. अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल हमने मिक्सचर जो बनाया, क्या उसका कलर वॉयलेट हो गया है. अगर वॉयलेट कलर उसमें है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन भी है. अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. अगर उसका कलर वॉयलेट हो चुका है तो इसका मतलब आपको इस बात का पता लग चुका है कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं. तो जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है तो उसमें तो बिल्कुल क्लियरली हमें नज़र आ जाएगा. लगभग सभी के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, सभी में मतलब कि जैसे कि अनाज है, अनाज को कह देंगे इसमें प्रोटीन नहीं होता, ऐसा नहीं है. अनाज के अंदर भी प्रोटीन होता है लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर होता है. फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन नहीं होता कहते हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, प्रेजेंट तो होता ही है. तो आप ये अलग अलग फूड आइटम है, इसके अंदर आप जब करेंगे अपनी एक्सपेरिमेंट को तो आप देखेंगे कि किस में प्रोटीन है किस में नहीं है. अब अगर आप ऑयल के अंदर डालेंगे तो ऑयल में तो टोटली फैटी है, तो उसमें तो ये बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब वॉयलेट कलर नहीं आएगा क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, जीरो होगा उसमें प्रोटीन. ओके, तो आप अपनी ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट घर पे करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बारे में नॉलेज गेट कर सकते हैं और आपको भी काफ़ी प्राउड और घर वालों को भी काफ़ी प्राउड महसूस होगा कि मेरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो समझदार हो रहा है और ज़रूर एक बड़ा आदमी बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप आगे के लिए और बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट,
हमने देखा प्रोटीन का टेस्ट, अब थर्ड टेस्ट इस चैप्टर के अंदर जो है वो है फैट का टेस्ट। ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे या कुछ भी लेंगे, कास्टिक सोडा सोल्यूशन लेंगे, आयोडीन सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे या कुछ भी। क्या करना है, लेट अस सी। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको फूड आइटम जिसको आपने चेक करना है उसको आप लेंगे और उस वो एक पेपर में बंद करके, पेपर उसके दोनों तरफ अच्छे से उसको लपेट देंगे और उसे क्रश कर देंगे, उसको भीच देंगे, उसको पीस देंगे उस पेपर के अंदर। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि पेपर फट ना जाए, नहीं तो आप सही से पता नहीं लगा पाएंगे। मतलब इस तरीके से करना है, जेंटली उसको प्रेस करना है कि वो स्क्वीज हो जाए, क्रश हो जाए, लेकिन पेपर ना फटे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। अब आप उस पेपर को सीधा करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके ऊपर कोई पैच आया है, पैच मतलब कोई धब्बा सा आया है ऑयल का। आपने देखा होगा कभी आप काम कर रहे हैं तो अगर मान लिया कि वो उस पर कुछ ऑयली ऑयली चीज़ गिर गई है, कुछ मटेरियल गिर, दूध गिर गया मान लिया या मलाई गिर गई, तो उस पर एक पैच सा नज़र आएगा, ऑयल का पैच होगा अलग से। या फिर आप जब मिठाई का भी लेकर के आते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो मिठाई लेकर के आते हैं तो जो वो खाकी सा कागज़ देते हैं या कोई भी वाइट कलर का जो रैपर होता है तो उसके ऊपर पैच नज़र आएंगे, वो एक्चुअल में क्या है, ऑयल के पैच होते हैं, घी के पैच होते हैं, फैट का पैच होता है वो। तो वैसे ही पैच अगर आपको नज़र आ रहा है अपने पेपर के ऊपर क्रश करने के बाद फूड को और उसको सीधा करने के बाद, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा है तो आप सामने लाइट हो, आपकी आँखों और लाइट के बीच में वो पेपर के, पेपर को लेकर के आए, फिर आपको आसानी से वो फेंटली जो लाइट नज़र आएगी उसके अंदर से, मतलब आर पार धब्बा वो बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगा पेपर के ऊपर। दिस ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर, देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। कई बार होता है कि उसके अंदर, अब मान लिया आपने वो तो सेमी सॉलिड टाइप में है, या फिर वो ये कह लीजिए कि कोई भी फूड आइटम उसमें पानी तो होता ही है, तो वो एकदम से आप क्रश कर लेंगे तो तब वो पैसा बनेगा, तो वो नहीं, उसमें उसको पहले सूखने दीजिए। सूखने से क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा जो भी बाद में बच जाएगा, फिर उसको चेक कीजिए कि क्या वहाँ पे पैच है, इस चीज़ की सावधानी जरूर बरतिएगा। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप एंड आफ्टर सम टाइम इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। कॉन्ग्रेचुलेसन, इस तरीके से आपने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। समझने में कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम तीन फूड आइटम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कैसे पता लगाएंगे कि वो फूड आइटम के अंदर, उस फूड आइटम के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तो अब इन टेस्टों से आपने, आपको क्या पता लगता है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च जो खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट यू टेस्टेड, जो आपने टेस्ट किए, क्या वहाँ पे फैट है, क्या प्रोटीन है, क्या स्टार्च है फूड आइटम के अंदर, इस चीज़ के बारे में आपने, आपको नॉलेज होती है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, जैसे बिल्कुल हो सकता है, जैसे हम भी इससे पहले हमने बात की थी कि अनाज के अंदर क्या होगा, अनाज के अंदर प्रोटीन भी है और अनाज के अंदर फैट भी होता है, थोड़ी मात्रा के अंदर होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी है, तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं उसके।
Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या कोई ऐसा food item है जिसके अंदर इसमें से कोई भी nutrients ना हो? ऐसा water में कह लीजिए, इसमें fiber के अंदर ऐसा होता है। तो देखते हैं आगे। We tested, okay, हाँ, water और dietary fiber के जो food के अलावा उसके अंदर कोई और ऐसा food तो नहीं है उसके अंदर, लगभग सभी के अंदर वो चीज़ें होती है। फूड आइटम के लेके चले तो सॉल्ट है, वो भी फूड आइटम ही हो गया। तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि सॉल्ट के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें विटामिन नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, है ना? तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, जो कि हमारे फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। ये एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही हम सन की एनर्जी जो होगी उसका यूज करेंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सन की एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधों ने सन की एनर्जी का यूज किया और उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। हमने उस स्टार्च को खाया और हमें एनर्जी मिली, हम उससे काम करते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। फैट के अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। ओके, तो ये था फैट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो क्यों चाहिए होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट, टेल मी। यस, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं। अगर ये ना खाएं तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। कई बच्चे होते हैं, बल्कि जो गुड़िया होती है, लड़कियां होती है, वो क्या करती है, सुबह का खाना, और बच्चे तो स्पेशली ऐसा करते ही हैं, सुबह का खाना स्किप करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुबह तो आपको भरपेट खाना चाहिए। भरपेट खाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बर्गर, डोसा या कुछ, डोसा तो चलो न्यूट्रिटिव होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है डोसे के बारे में, लेकिन जो बर्गर है, पिज्ज़ा है, जो ये समोसा है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बैड फैट होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आप, इसमें मैदा होती है, फाइबर नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खानी चाहिए, रोटी खा करके जाएं, आलमंड्स वगैरह खाएं, ताकि पूरे टाइम एनर्जी बनी रहे। स्किप मत कीजिए, कई डाइटिंग के चक्कर में अपना ही फैट लॉस नहीं करेंगे, आप अपनी मसल्स लॉस कर लेंगे। ओके, तो ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की जरूरत किस चीज के लिए होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। अब आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है, छोटा सा होता है, बेबी जब पैदा हुआ, वो उसके बाद वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो उसका साइज बढ़ता रहता है। 18 साल 20 साल तक वो क्या है, पूरी अपनी फुली ग्रोन चाइल्ड हो जाता है। तो वो बॉडी कैसे बन रही है, वो हमने जो प्रोटीन खाया है अपनी डाइट के अंदर उससे बना है। और ये प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम आगे इनके फूड के बारे में देखेंगे। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो फूड जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड।
उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदा करते हैं? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन का काम क्या है, वो हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाता है, बीमारियां नहीं होने देता शरीर को अगर विटामिन प्रचुर मात्रा में हम लेते रह रहे हैं, जितनी एडिक्वेट अमाउंट हमें चाहिए होती है। विटामिन्स हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को भी हेल्दी बना करके रखते हैं। तो मतलब हमारी पूरी बॉडी को ही हेल्दी बना करके रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स कई तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, उनको हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं। उनमें से कुछ है, सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर है। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक फूड आइटम मतलब एक तरह का और विटामिन है, उसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ये नहीं कि आप ज़्यादा ही ज़्यादा विटामिन की चीज़ें खाने लग जाओ, तो अति तो हर एक चीज़ की गलत ही होती है। इसलिए अति मत होने दीजिए, ना ही अति खाइए, ना ही अति कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ना ही अति प्रोटीन खाइए, ये सब चीज़ फिर खराब करते हैं। कई बॉडी बिल्डर होते हैं जो ज़्यादा ही प्रोटीन फूड खाने की कोशिश करते हैं और फिर उससे उसको उनको प्रॉब्लम होने जाती है और उनसे बदबू भी आती है, जैसे कि एक शेर के अंदर से बदबू आती है ना, कार्निवोर के अंदर से बदबू आती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो वैसे ही बदबू आसपास से आने लगेगी और साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। तो एडिक्वेट मतलब जितनी चाहिए होती है उतनी ही लीजिए, ज़्यादा नहीं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो यहाँ पर अलग अलग विटामिन्स का काम दे रखे हैं। विटामिन ए का काम होता है वो हमारी स्किन को और हमारी आँखों को हेल्दी बना कर रखता है। विटामिन सी का काम होगा कि वो डिजीजेस के विरुद्ध जंग लड़ेंगे, मतलब डिजीजेस नहीं होने देंगे, फाइट करेंगे उनके साथ में। विटामिन डी का काम होगा जो भी हमने फूड आइटम के अंदर कैल्शियम लिया है उसको यूटिलाइज करके बोन्स और टीथ के लिए यूजेबल बनाना। ओके, फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो ये फिगर्स दे रखी है 2.6 में एंड 2.9 में, 2.7 के अंदर, 2.8 के अंदर, इन सब के अंदर विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है मिल्क, फिश ऑयल, फ्रूट्स के अंदर ये मैंगो टाइप में नज़र आ रहे हैं, कैरेट, पपाया, ये लीवर, ये ग्रेन्स हो गई, चावल हो गए, ये टोमेटो, आंवला, लेमन एट्सेट्रा, इस तरीके से यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ें खाएंगे तो हमें, हम डिजीज़ से दूर रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई जो वेजिटेरियन है उनको भी ये चीज़ें खानी ज़रूरी है, नहीं तो वो डिजीज़ फ्री नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो खा सकते हैं, और जो पीपल ये फ्लैश वगैरह खाना पसंद करते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं, वो उनके थ्रू विटामिन्स गेट कर सकते हैं। तो नेचर ने सभी के लिए फूड की व्यवस्था की हुई है, हार्बीवोर के लिए भी, कार्निवोर के लिए भी, ओमनीवोर के लिए तो जैसे है ही है। ओके, मिनरल्स आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ।
तो मिनरल्स थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन बॉडी की सही ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। थोड़ी मात्रा में है लेकिन जरूरी है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 फिगर के अंदर हमें नज़र आएंगे कुछ फूड आइटम जिसके अंदर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। देख पा रहे हैं आप, जैसे ये चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। देखिए इसमें आंसर आ गया ना इसका, कि इससे पहले पूछा गया था कि क्या किसी फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, तो बिल्कुल होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। 2.2 के अंदर आपने की होगी तो उसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि उसके अंदर अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं। टेबल 2.2 यानी कि जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए टेस्ट किए थे, वही होगी ना 2.2। यस आई वॉज राइट, ये रही 2.2 टेबल। चलिए आपसे अपने पर आते हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच ग्रेटर मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, थस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसी तरीके से हम गेहूं के लिए भी कह सकते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। तो इससे पहले हमने अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स के बारे में बात की। अब आ रहे हैं दो और न्यूट्रिएंट्स, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब कई लोग कहेंगे कि इनकी क्या ज़रूरत है, इनको न्यूट्रिशन तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर आपको मेहनत करने के बाद रेस्ट ना दिया जाए तो क्या होगा। और ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर, क्योंकि जैसे एक रेस्ट लेने के बाद हमारी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाती है, उसके अंदर पावर आ जाती है और रेस्ट करने के बाद वो दोबारा से ताजगी के साथ दोबारा से अपना काम कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही वाटर है, उस एनर्जी को जो भी हमने ली है उसको डाइजेस्ट करने में, हमारी बॉडी को के अंदर फिट करने में हेल्प करती है। और डाइजेस्ट डाइट्री फाइबर्स का काम होगा टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विच वर मेड ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एंड देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइट्री फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, तो रफेज और डाइट्री फाइबर की डेफिनेशन एक जैसी ही होगी। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो रफेज की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये हमें जरूरी होते हैं, जैसे पहले भी हमारी बात हुई, टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, हमें होल ग्रेन्स में मिलेंगे, पोटैटोज, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर मिलेंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे, राइट। तो इसे हमें बल्क अमाउंट में खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जब हम मॉर्निंग में फ्लैश आउट करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, तो ये हेल्प करेंगे। कई बच्चे होते हैं या कोई लोग होते हैं, मैंने देखा है घंटों तो नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी आधा घंटा भी बहुत लगता है उस वक्त जब हमें जाना होता है वॉशरूम के अंदर, मतलब उनका पेट इतना है ही नहीं, घंटों बैठे रहेंगे पता नहीं क्या करते हैं। जबकि अगर आपने अच्छे से डाइट्री फाइबर्स वगैरह लिए हुए हैं और अच्छे से आप मजबूत हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो आप जाएंगे और फटाफट बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं डाइट्री फाइबर्स वगैरह के जो ये चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, समोसे, बर्गर, इनमें ज़्यादा मत पड़ना चाहिए। अब वाटर की बारी, वाटर भी ज़्यादा लेना चाहिए, इससे भी पेट सही रहता है।
Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Water भी हमारी help करता है nutrients को absorb करने के अंदर, और ये help करता है waste material को बाहर निकालने में urine के तरीके से, sweat के तरीके से, है ना? Normally we get most of water from our body needs. Our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. आपने देखा होगा खाना खाने के बाद प्यास लगती है, तुरंत बाद तो नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए या आधे घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी हमने खाया अच्छे से अब्जॉर्ब होएगा और वो हमारी बॉडी को भी ज़्यादा लगेगा भी, राइट? मुझे लगा नेक्स्ट कॉलम में कुछ रह गया है ऊपर वाले पेज पर, लेकिन अब यहाँ पर हैं हम। तो हमें जो वाटर मिला है कहाँ कहाँ से मिलता है, जो हम पानी पीते हैं उससे, मिल्क से, टी से, इनसे, या फिर जूस वगैरह पी लेते हैं आप, वहाँ से भी हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।